लाला लाजपत राय की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें याद किया और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर सादर नमन। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। चंदू बटाला पोस्ट के पास नशा तस्करों व बीएसएफ जवानों में मुठभेड़। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर डेरा बाबा नानक के चंदू बटाला पोस्ट के पास नशा तस्करों व बीएसएफ जवानों में आज सुबह मुठभेड़ हो गई। इस घटना में बीएसएफ का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। सर्च ऑपरेशन जारी। छात्र संगठनों ने बिहार बंद का किया आह्वान। रेलवे की गैर तकनीक लोकप्रिय संवर्ग की भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में छात्र आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। आंदोलन के पांचवें दिन शुक्रवार को छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। इसे कई छात्र संगठनों और महागठबंधन के घटक दलों सहित विपक्ष ने समर्थन दिया। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान निछावर करते हैं। अभिनेत्री श्वेता तिवारी की एफआईआर दर्ज। अभिनेत्री श्वेता तिवारी की भोपाल में एक वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान भगवान के बारे में आपत्तिजनक बयान लेकर शिकायत दर्ज। इस मामले में श्यामला हिल्स थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। श्वेता के खिलाफ भादवी की धारा 295 ए के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। सोनू प्रजापति नामक व्यक्ति की शिकायत पर श्वेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। स्पाइसजेट को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के खिलाफ समर्पण कार्रवाई करने के निर्देश पर 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। एयरलाइन ने दावा किया था कि वह क्रेडिट स्विस के साथ अपने बकाया मामले पर विवाद को निपटाने की तलाश में है। एयरलाइंस पर फाइनेंशियली कंपनी क्रेडिट स्विस एजी का 180 करोड़ रुपया बकाया है। डिजिटल संसद ऐप पर देख सकेंगे संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही अब मोबाइल पर आसानी से लाइव देखी जा सकेगी। इसके लिए डिजिटल संसद ऐप का विस्तार कर दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ऐप पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, सदनों के प्रतिदिन के कार्यों की जानकारी, सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्र के साथ 1947 से अब तक बजट पर हुई चर्चाएं भी उपलब्ध हैं। यह ऐप डाउनलोड कर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर 2022 का केंद्रीय बजट भी लाइव देख सकते हैं। महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को मिली राहत। महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के 1 साल के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। जो बाइडन ने वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ की बात। यूक्रेन रूस संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बात की और रूस द्वारा आगे आक्रमण करने पर उसका साथ देने का भरोसा दिलाया। बाइडन ने इस दौरान रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने पर निर्णायक प्रतिक्रिया के लिए अमेरिका की अपनी सहयोगियों और भागीदारों के साथ तैयारी की पुष्टि भी की। ब्राजील में भी कोरोना के मामले फिर बढ़े। ब्राजील में भी कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजील में कोरोना मामलों की संख्या पिछले 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 228,954 दर्ज की गई है। अब वहां कुल मामले बढ़कर 24.7 मिलियन से अधिक हो गए हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 672 मौतें दर्ज की गई हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 6,25,000 से अधिक हो गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केज जिले में हुए इस हमले में पाकिस्तान के 10 जवान मारे गए हैं। आतंकियों ने केज जिले की चेक पोस्ट पर तैनात पाक सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया था।
USIBC ने एयर इंडिया एयरलाइंस को दी बधाई। अमेरिकी कॉर्पोरेट निकाय US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एयर इंडिया एयरलाइंस को हासिल करने के लिए टाटा ग्रुप को बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम की सराहना की है। काउंसिल ने ट्वीट कर टाटा ग्रुप को इस उपलब्धि की बधाई दी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।